कांग्रेस से भाजपा में आए अक्षय कांति बम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले दिनों उन पर 17 साल पुराने प्रकरण में हत्या का प्रयास मामले में प्रकरण दर्ज किया गया था। अब न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी आदेश थाने पहुंच चुका है। पूरे मामले में डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा के मुताबिक अक्षय कांति बम जिन पर 2007 में खजराना थाने पर प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसका पूरा मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। सुनवाई के दौरान उन पर हत्या का प्रयास की धारा 307 के तहत धारा भी बढ़ाई गई है। 10 मई को अक्षय कांति बम को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना था, लेकिन वह नोटिस प्रस्तुत कर उपस्थित नहीं हुए थे, जिसके बाद न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अक्षय कांति बम और उनके पिता कांति बम को 8 जुलाई तक माननीय न्यायालय में पुलिस को आदेश किया है कि वह उन्हें प्रस्तुत करें। पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि वारंट के चलते जो भी कार्रवाई होगी वही की जाएगी और उनके घर के बाहर जो सुरक्षा दी गई है वह उनके परिवार को प्रोटोकॉल के तहत दी गई है। इस पूरे मामले में अब देखना होगा कि पुलिस 8 जुलाई का इंतजार करती है या फिर उससे पहले ही भाजपा में शामिल हुई अक्षय कांति बम की गिरफ्तारी कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। पुलिस ने माननीय न्यायालय का जो भी आदेश है उसकी पूरी तरह से पालन किए जाने की बात कही है।